उनको बस मारनी थी। लाइफ हराम हो गई थी सरदार जी, जैसे अब आपकी होने वाली है। मालूम पड़ा ये खेल इन सब चूतियों से, आपसे, मुझसे बड़ा है। बोले दो गेम ओवर। पच्चे से काम काम, पच्चे से राम नाम, सत्य ये खुले आम हत्या ये। नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया। नेटफ्लिक्स की सबसे चर्चित वेब सीरीज सेक्रेट गेम्स, जिसे लेकर दर्शकों ने कई तरह के रोमांच का अनुभव किया था, उसका दूसरा भाग कब आएगा, इस बात की चर्चाएं जोरों पर थी। लेकिन अब वह तारीख आ गई है जब सेक्रेट गेम्स 2 दर्शक देख सकेंगे। जी हाँ, मंगलवार को इसका एक ऑफिशियल ट्रेलर जारी किया गया, जिसकी घोषणा नेटफ्लिक्स ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर की। यदि वेब सीरीज की तुलना हम किसी नशे से करें, तो इस बार जो वेब सीरीज के नशेड़ी होते हैं, जिन्हें चस्का होता है इस तरह की सीरीज को देखने का, इस तरह के भागों को देखने का, उनके लिए अनुराग कश्यप एक तगड़ा डोज लेकर आए हैं। तारीख की घोषणा हो चुकी है, 15 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर सेक्रेट गेम्स 2 के जो बाकी भाग हैं वो रिलीज कर दिए जाएंगे। संभवतः जिस तरह पहले इसके कई सारे भाग आए थे, इस बार भी लगभग 8 भागों में यह सीरीज हो सकती है। यदि सेक्रेट गेम्स 2 की कहानी की बात की जाए, तो मोटे मोटे तौर पर जो उसका प्लॉट हो सकता है वह आपको समझा देते हैं। जी हाँ, गणेश गायतोंडे, जो एक चर्चित अंडरवर्ल्ड का विलन है, अंडरवर्ल्ड का डॉन है, इस फिल्म में भी उसकी दमदार एंट्री होने वाली है। और गणेश गायतोंडे के रूप में एक बार फिर आप सबको मनोरंजन करने के लिए, आप सब लोगों को रिझाने के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस फिल्म में नजर आएंगे। गणेश गायतोंडे को पकड़ने के लिए जो पुलिस वाला भागता है वो है सैफ अली खान, जो इस बार भी अपने करियर को बचाने के लिए गणेश गायतोंडे की तलाश करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा दो नए किरदार हैं जो फिल्म में आपसे रूबरू होंगे, ये हैं रणवीर शौरी और कल्कि कोचलिन, जो पिछले भाग में नहीं थे, लेकिन इस भाग में इनकी भूमिकाएं थोड़ी अलग अलग हो सकती हैं। इसके अलावा एक किरदार और है जो पिछले भाग में थोड़ा सा छूट गया था, पिछले भाग में उसकी झलक देखी थी, लेकिन इस बार उसके उस किरदार से भी पर्दा उठेगा, और वो हैं एक अपराधी धर्मगुरु पंकज त्रिपाठी, जो गणेश गायतोंडे को मजबूर करते हैं, प्रेरित करते हैं अपराध की दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए। तो ये किरदार हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमेगी। वेब सीरीज की पूरी कहानी तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर है कि ये कहानी बहुत ही ज़्यादा रोचक होने वाली है। सेक्रेट गेम्स के पहले भाग का निर्देशन अनुराग कश्यप और विक्रमादित्य मोटवानी ने किया था, लेकिन इस बार नीरज घेवान और अनुराग कश्यप ने मिलकर सेक्रेट गेम्स 2 का निर्देशन किया है। निर्देशन की खास बात यह है कि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी जो है वो ज़बरदस्त है। फिल्म में अब धारावी से बाहर निकलकर कई सारी बड़ी और दूसरी लोकेशंस भी दिखेगी, जहां गणेश गायतोंडे यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने उस अंडरवर्ल्ड के छोटे से जहान से निकलकर कहां कहां गया, इसका खुलासा होगा। साथ ही साथ कई सारे किरदारों के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी में जो लोकेशंस हैं, जो कैमरा है, जो म्यूजिक है, वो भी इसकी कहानी को और भी ज़्यादा रोमांचक बनाएगा। इसके साथ ही साथ जो किरदार हैं वो किस तरह से एक दूसरे को निपटाने में लगे रहते हैं, और बीते 25 दिनों की कहानी सुनाते सुनाते पहले भाग में जहां से नवाजुद्दीन सिद्दीकी गायब होते हैं, उसके आगे क्या हुआ, ये कहानी भी आपको इस भाग में पता चल सकेगी। संवाद यूँ तो किसी भी कहानी की जान होते हैं, लेकिन जब आप सेक्रेट गेम्स 2 के संवाद सुनेंगे, तब थोड़ा सा अंदर से हिल जाएंगे, थोड़ा सा हंसेंगे, थोड़ा सा रोमांचित होंगे, और समझ भी जाएंगे कि हाँ, इस तरह की बातें सेक्रेट गेम्स 2 में ही हो सकती है। शुरुआत में ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी संकेत दे देते हैं कि इस वेब सीरीज के जो डायलॉग्स हैं वो किस तरह के होने वाले हैं। जब आप ट्रेलर देखते हैं, तब नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि अपुन को बस मारनी थी, और इसके साथ ही आप समझ जाते हैं कि इस वेब सीरीज के जो डायलॉग्स हैं उनका स्तर कैसा हो सकता है। सैफ अली खान जब नवाजुद्दीन से पूछने की कोशिश करते होंगे कितने दिनों से आप कहाँ थे, तब नवाजुद्दीन उनसे जवाब में ये कहते हैं कि बस जिंदगी हराम हो गई थी साहब, जैसी अब आपकी होने वाली है। लाइफ हराम हो गई थी सरदार जी, जैसे अब आपकी होने वाली है। इसी तरह फिल्म में और भी कई अलग अलग तरह के डायलॉग्स हैं। एक डायलॉग ये भी है कि अब हमको समझ आया साहब कि ये खेल आपसे, हमसे और इन कहीं ज़्यादा बड़ा है। मालूम पड़ा ये खेल इन सब चूतियों से, आपसे, मुझसे बड़ा है। तो एक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी और तमाम सारे किरदार इस वेब सीरीज की विशेषता है। सेक्रेट गेम्स के पहले भाग में जो बैकग्राउंड म्यूजिक हमने सुना था वो इस प्रोमो में भी धीरे धीरे हमारे कानों में पड़ता है। इसके अलावा कुछ नए गाने भी इस वेब सीरीज में हमें सुनने को मिल सकते हैं। तो ये कहानी है सेक्रेट गेम्स 2 की, जिसमें सेक्स है, जिसमें किरदार हैं, जिसमें डायलॉग्स हैं, जिसमें अभिनय है, और साथ ही साथ है अपराध की उस दुनिया का ताना बाना, जिसे जानने की उत्सुकता हर किसी में रहती है।
तो सेक्रेट गेम्स के ट्रेलर के बारे में हमने आपको बताया, पहला भाग हम इसका निपटा चुके हैं, दूसरे भाग की तैयारी कर ली है, नेटफ्लिक्स का जुगाड़ हो गया है और आप भी इंतजार कीजिए 15 अगस्त का, जब ये वेब सीरीज अपलोड हो और आप सब लोग इसका आनंद ले सकें। देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।